बोझ इस वेले क्यों पा रहे ने, जबकि 2 महीने के उत्तों हो गए ने, लोग घर बैठ बैठे ने, सरकार लोगों राशन दे रही है। यदा मतलब सरकार को पता है कि लोगों को खाने है नहीं, तो इलैक्ट्रिसिटी बिल क्यों भेजे जा रहे हैं। मैं कौंसलर को जाके 5-5 किलो की थैलियां लव, तो मैं 6400 रुपया बिल कितों भर देव। मैं तो एक गल इतों थ्रैड कर रहे हैं, जो बिजली के बिल देने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बिजली के बिल जमा नहीं कराओगे तो मीटर कट देंगे। तुम दसो सरकार करना की चाहती, मतलब लोगों को घरों तो बाहर कटना चाहती है, क्यों जो मीटर कटोगे तो लोगों ने घर टेके नहीं पैना। सोशल अच्छ लॉकडाउन हो पंजावा दिन हैगा लुधियाना शहर के, एक तुम एक संस्था जी है महला निवासी कहा जा सकता है, सी एम जी नो वर्क नो इलैक्ट्रिसिटी बिल का पैंपलेट जोड़े है हत्था फट के बैठे हुए हैं। लेकिन गलबात की वो भी जब जाएंगे तो सब पहले एक गल दस दवा कि जेडे हूँ पंजाब पॉजिटिव जो पेशेंट से उन्होंने गिरावट नज़र आ रही है, दिन प्रतिदिन जो ठीक हो गए पेशेंट जो घर भी जा रहे हैं, लोगों को कहा भी जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। लेकिन इतने महल निवासियों को पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, लेकिन 2 महीने हो चले ने पूरे, उस तो बाद भी जो लोगों के बिल जो आने शुरू हो चुके हैं, गलबात भी करते हैं कि मामला की है जी। जो इस टाइम कह रहे हो सीएम नो वर्क नो बिल, देखो जिमें कि आप सारे ही जानते हैं कि करोना की जी महामारी है पूरे वर्ल्ड के फैली हुई है, तो उ महामारी हूँ अपने देश के एक विकराल रूप लै चुकी है, जिदे करके इतने मोदी साहब ने जड़ा वह वो लॉकडाउन अनाउंस किया, लोगों ने उसकी पालना की है। लोग अपनी दुकानदारियां बंद करके, अपनी होजरी बंद करके पिछले 2 महीने तो अपने घर बैठे ने, त्या हुण पिछे जे 2.2 लाख करोड़ का जड़ा मोदी साहब ने एक पैकेज भी अनाउंस किया, जिदे विचों 90,000 करोड़ रुपया जड़ा सिर्फ इलैक्ट्रिसिटी कंपनियां मिलना, तो जब उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा मिल रहा या कह लो भी पैकेज मिल रहा, तो वह लोगों के उत्ते बिल का बोझ इस वेले क्यों पा रहे हैं, जबकि 2 महीने के उत्तों हो गए ने, लोग घर बैठे ने, सरकार लोगों राशन दे रही है। यदा मतलब सरकार को पता है कि लोगों को खाने है नहीं, तो इलैक्ट्रिसिटी बिल क्यों भेजे जा रहे हैं। खोल दिए गए ने, गल करा काम जो है खोल दिए गए समय सिर, सवेरे 7 बजे तो लैके 6 बजे तक ढिल भी देती है, दुकाना जीडिया खोलनिया शुरू कर दती कि लोग अपना कारोबार चला सकते हैं। लेकिन सरकार ने थोड़ा छूट भी देती है, हूँ कमाई का साधन भी देता, लेकिन जो बिल जो है वह जनता आप नहीं भर सकती। लोग भाजी कह मतलब ये है ना, दीवे थले नेरे वाला काम है, लोगों को काम तो खोल दिते ने पर काम चल नहीं रहे, लोगों को कमाई का साधन है नहीं है। हूँ आप दुकान खोल के बह जाने, जे मैं दुकान खोल के बैठा वा लोग मेरे को आएंगे राशन ता लैणगे, जो उन्होंने को पैसा होगा उन्होंने को पैसा है नहीं, वो मेरे को राशन कितों लै लेंगे या मेरे को कपड़ा कितों लै लेंगे। पहला तो सरकार को चाहिए होजरी वर्क जोड़ा जिदे उत्ते लुधियाना पूरा डिपेंड है, उन्होंने खोले, उन्होंने चलावे, लोगों को पैसे आएंगे ता ही चेन घूमेगी। छोटे उद्योग सारे खोल दिए गए हैं, कल हजे डीसी साहब ने कहा भाई छोटे उद्योग वे उद्योग सारे खोल दितो, लेवल जी है 25% रखनी पेगी, जिदा 2000 लेबर और 500 लेबर रख के काम चलाना पेगा। तुम्हें लगता कि इदा जो है पहले वाला टाइम आ सकता? देखो जी चाहिए कि पहले वाला टाइम आ जाए, पर मैं नहीं लगता कि हले इन छेती आऊगा। आ जी करोना की महामारी हैगी ये अगे तक भी जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब न लगता पाया कि हले बदल भी सकती है। हाँ जी बिल आ गया होया जो लैके बैठे कर। देखो जी बिल तो जो भी आया होया इस बारी, क्योंकि जनता सारी परेशान है, 2 महीने तो उपर ही हो गए हैं, जनता परेशान है, इस करके बिल नहीं भरे जा रहे उन्होंने को, भावें घट हो भावें बद हो, परेशानी तो सारे वास्ते है। बिल भर जाऊगा जो ते कोई बिल आता बिजली बिल आ जाते तो भरोंगे कि नहीं भरोंगे? राशन बारे लुधियाना शहर का कि लोगों को उजागर कर रहे हो की कर रहे हो कि जो इस टाइम मंदी छाई हुई है, दुकाना खोलती है, लेकिन बिल जो आने नहीं भर की करोगे जो बिल का मीटर कटना आ गए तो ਇਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਲੈ ਜਾਣ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ।
जद पैसा नहीं कोल धेला नहीं कोल किराया प्राइस भी किराए पर रहते अद्धे किराए पर रहते इन्हां ना बिल भेज रहे दसो किराए देने बिल देने की देना है गवर्नमेंट इदा कहते ये करा वो करा इन्हां पैसा भेजा गरीबा की भेज रहे इतने साड़ी गली च राशन नहीं कोई देना आया है सारे महल च राशन वंडिया इतना कोई राशन वंडन नहीं आया गली च ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਕਰਾਇਮ ਕਰਨੇ ਮਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਹਮਕੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕਾ ਤੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਹਮ ਲੋਗੋ ਰਾਸ਼ਨ ਥਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾ ਸੁਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਂ बिजली भी लागई है सर मेरा पर्सनल अपना बिल जेड़ा मैं अपनी बाकियां दी गल तो रहनी दो मेरा 6400 रुपया बिल आया मैं एक गल सरकार नू पुछनी चाहना मैं राशन ली सरकार दे उत्ते डिपेंड आ मैं कौंसलर कोले जा जाके 5-5 किलो दी थैलियां लवां ते मैं 6400 रुपया बिल कित्थों भर देवां मैनूं तां एक गल सरकार दी लॉजिक नहीं समझ आ रहा एक पासे वड्डी वड्डी कंपनियां नू 90000 करोड़ रुपए दा पैकेज दे रहे ने ते गरीबां नू इस गर्मी दे मौसम दे विच इत्तों थ्रेड कर रहे ने जिहड़े बिजली दे बिल देण आ रहे ने ओह कह रहे ने जे बिजली दे बिल जमा नहीं कराउंगे ते मीटर कट देंगे तुसीं दसो सरकार करना की चाहती मतलब लोगों नू घरां तों बाहर कढ़ना चाहती है क्योंकि गर्मी च लोग की घरे नहीं पै सकते गर्मी दे विच तुसीं बिजली दा बिल कट्टोगे जे मीटर कट्टोगे ते लोकां ने घरां दे विच टेके नहीं पैना सोशल डिस्टेंसिंग दी धज्जियां उड़ जाणियां मैं सरकार नू अपील करदा कि इहदे ते गौर करो जरा कैप्टन साहब तुहाडे कोल महकमा तुसीं गौर करो इहदे ते देख सकते हो पिछले जो लोग है ने, काफी पंजाब सरकार तो खफा भी नजर आ रहे हैं कि जो बिल आ रहे हैं वो बिल माफ किए जाने देखते हम कैप्टन सरकार वालों जो बिल है माफ किए जाते कि नहीं किए जाते ये तो देखने वाला समय ही हैगा मैं तुम्हें आ भी दस दाँ कि जो 20000 करोड़ का पैकेज जोड़ा सी पास किया गया पैकेज के बाद जी जनता को राहत देने का काम किया गया लेकिन जनता को जोड़ा है राहत नहीं दी गई लोग तुम देख सकते हो आप ही सड़कों के उत्ते आ रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैप्टन साहब तुम्हें रखना पैना लोगों जे गरीब लोग ने जिन्होंने अपने मकानों के किराया नहीं दिता जा रहा वो बिल कितों देंगे इन्हों की कोई ना कोई सार लवो कैप्टन साहब या अपने किसी भी मंत्री को वित्त मंत्री को किसी ने भी कहो लेकिन सार लैनी चाहिए है बिल जो बिजली के बिल माफ करने चाहिए ने लुधियाना दीपक के नाल मैं विशालपुर स्पोक्समैन टीवी।